और एक जो बीच का हिस्सा रहा हमारा वो है निकाह, निकाह के अंदर। अब निकाह के ताल्लुक से भी अब ये इतना ऐसा मामला हो चुका है और ये तो बहुत इंतहाई बड़ा मौजू है निकाह का। अब इसके अंदर ये कि अभी न्यूज़ आई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया हमारा नेशनल मीडिया बहुत बड़ा पेपर है इंग्लिश का, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर खबर छपी कि मुसलमान अपनी पुरानी जो रिवायात है उसकी पाबंदी, वो जकड़न से निकल कर अब बाहर निकलने लगे शादी ब्याह के अंदर। अब वो भी जो है उनके अंदर भी जो है ये चीज़ें होने लगी, डांस और ड्रिंक की पार्टियां वो करने लगे। क्या कह रहे हैं, वो जकड़न में फंसे हुए थे तो निकल गए। ठीक है, अब उन्होंने तो तारीफ के लिए लिखा होगा, उनके हिसाब से ये था कि भाई ये तो फिजूल रस्मों में फंसे हुए थे तो उन्होंने तो तारीफ के लिए लिखा होगा, लेकिन हमारे लिए तो तंज की बात है कि उन्होंने ये लिखा। एक डांस तो वो तो रोडों पे करते हैं लोग, एक डांस वो है कि आजकल डांस पार्टियां होती हैं मुसलमानों के अंदर भी हो रही, तो ये चीज़ें रिसेप्शन के अंदर होता है, वो ड्रिंक की आम हो गई, तो ये सारी चीज़ें, ये शादी है, वो कह रहे हैं ना लोग कि शादी है, तो शादी में आना तो वाकई वो शादी में ही बुला रहे हैं, निकाह में नहीं बुला रहे, निकाह नहीं है, इसको निकाह नहीं कहते, ये शादी होती है। निकाह तो उसको कहा जाता है कि जब दो जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के नाम से आपस में मिले, उसको कहा जाता है निकाह। और ये इतनी सारी लवाजिमात से अगर कर रहे हैं तो ये तो शादी है, फिर इसको शादी कहना चाहिए वो ज़्यादा से, क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं है शादी, ये शादी हमारे पास गैर मुस्लिमों से आई, शादी उनके यहाँ होती है, निकाह नहीं होता ईसाइयों के यहाँ पर, निकाह नहीं होता हिंदुओं के यहाँ पर, तो वहाँ पर तो ये वहाँ शादी होती है, तो शादी की रस्में हमारे यहाँ पर आ गई, ये निकाह की रस्में नहीं है। अब इसके लिए कोशिश तो की जा रही है, कोशिश हर लोग कर रहे हैं कि बैंड बाजे बंद हो, उसके लिए फतावे निकाले जाते हैं, बंद किया जाता है, इतनी कोशिश की जाती है कि काजी यहाँ तक कह चुके हैं कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी बंद नहीं होता, नहीं हो रहा, उसकी सक्सेस ही नहीं मिल रही है। क्योंकि इसके अंदर मसले ये होते हैं कि इसके अंदर जो अरमान पूरे कब करेंगे, ज़िंदगी में एक तो मौका मिला अरमान पूरे करने का, तो उसके लिए किया जाएगा। औरतें इस रस्म को सबसे ज़्यादा करती हैं, बुजुर्ग जो है वो उसके अंदर कर लिया तो ठीक, क्या है, तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम देख रहे हैं कि कोशिश तो कई सालों से हो रही, सब कर रहे हैं लेकिन नहीं रोक रहा। इसकी वजह यह है कि इसको नौजवानों को आगे आना होगा, जिनके निकाह नहीं हुए उनको कोशिश करनी होगी, तब जाकर ये होगा, ये पुराने वालों के करने से कुछ नहीं होगा, जो मस्जिद के अंदर मदारिस के अंदर बैठ कर फतावा दे दे पेपर में छपाते, कुछ नहीं होना, उससे करते चले आ रहे देख रहे नहीं हो रहा, ये तो खुद नौजवानों को उठना होगा, वो इसके लिए बगावत करनी होगी, ये बगावत की चीज़ है, घर के अंदर इस मामले में बगावत होनी चाहिए, ये रस्म नहीं होगी, ये हल्दी नहीं होगी, ये मेहंदी नहीं होगी, ये सेरा नहीं बंधेगा, सादगी रखी जाएगी, इस्लाम सादगी का दीन, तो ये तो उनकी जिनका निकाह हो रहा है उनको करना पड़ेगा, अब पुराने वालों से नहीं होगा, ये उनको करना पड़ेगा तब होगा, क्योंकि उसके लिए तो एक नौजवान उसको मनपसंद लड़की से शादी करना है उसके लिए बगावत कर देता है, खाना पीना छोड़ देगा, मर जाऊंगा, लड़की कहती है कि मैं मर जाऊंगी इससे शादी नहीं करी, घर वाले झुक जाते हैं उसके लिए, कर देते हैं उसका तारीख के, हाँ इससे तो कर देंगे इसकी, उसमें बगावत मंजूर। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है तो कहते हैं कि अब हमारा इख्तियार नहीं है, कंट्रोल नहीं, तुमने शादी के लिए तो मनवा लिया बगावत करके, उसी से करना है, तो इस रस्मों के अंदर भी बगावत होनी चाहिए कि मेरी शादी में ये नहीं होगी, ये नहीं होगा, आप चाहे जो करें, जिम निकाह होगा और लड़का है तो फिर दावत वलीमा होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ये खुद करना होगा तो फिर ये होगा। लेकिन इसमें तो ऐसा हो गया है कि लोग इसमें से ज़्यादा करते हैं, जितना हो सकते हैं इतनी चीज़ें ला के और फ़ख्र से बाद में बताते भी, देखो हमने ये फला किया था, ये रिसोर्ट इतने का किया, ये बैंड बाहर से इतने का बुलाया था, ये नाचने वाले बुलाए थे, ये डांस फ्लोर लगाया था, ये डीजे लाइट लगवाई, ये फला करवाए, वो करवाए, शादी है ही नहीं, कुछ भी नहीं, वो सारी चीज़ें, ये गुनाह को गिनाया जा रहा है कि देखो इतने सारे गुनाह हमने करे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो ये जो है दीन, और अब ये क्या है, हमको बगावत इस मामले में घर के खिलाफ कर रही है लेकिन इसमें साथ दे रहे, तो ये दीन के खिलाफ अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बगावत है कि हम जो बताएगा उसको छोड़कर जो इतनी सारी चीज़ों को करते, और अल्लाह उसके रसूल से बगावत करे तब उसका फिर ठिकाना क्या होगा, तो ये तो पूछे जाने वाली बात है, और बड़े बड़े गुनाह हैं इससे जो, और जबकि ये तो कहा था अल्लाह ने सूरह आराफ के आयत नंबर 57 के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, मूसा अलैहिस्सलाम के उनको ये अल्लाह ने आयत को नाजिल किया था मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उस दौर के अंदर, कि तुम्हारे बाद में एक उम्मी नबी आएंगे जो लोगों के ऊपर जो बोझ लदे हुए उसको उतार कर फेंक देंगे, ये कुरान में बताया अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर ये आयत हमने नाजिल की थी, पेशीन गई थी इनकी कि वो उतार देंगे, अब ये उतारने के बजाय हम जो उतर गए ना बोझ वो भी लाते जा रहे हैं, सबके लाओ, ईसाइयों के भी लाओ, हिंदुओं के भी लाओ, यहूदियों के भी लाओ, सबके हमारे पास लाओ, तो ये होता चला रहा है, तो ये इसके अंदर हो रहा है। अब बस ये कि बात कहीं भी जाए तो कहेगी नहीं भाई मौका, यही तो मौका है हमारे अरमान पूरे करने का,
तो यही मौका है अल्लाह उसके रसूल की बात को मानने का, इताअत करने का, ये भी एक ही मौका है, जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। यही मौके जिंदगी के तीन हिस्से हैं आपके, पैदाइश, उसका निकाह और उसके बाद उस आदमी की मौत, वफात। इसी के अंदर वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी जो अल्लाह के उसके रसूल, अल्लाह के उसके रसूल ने बताई है। इसके अंदर यही मौके हैं, तो यही मौके आपके अरमान निकाल रस्में करने के नहीं, यही मौके इताअत करने के भी। दूसरी जगह तो जिंदगी के अंदर रोजमर्रा में उसमें कुछ कताएं खोताई भी होंगी, तो माफ भी हो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ों के लिए जरूरी है कि हम उठे और इसको करें। उसमें बगावत भी की जा सकती है घर वालों के खिलाफ, दूसरे काम में ना करें क्योंकि कम से कम इसमें तो किया जा सकता है, करना चाहिए। तो ये अब इसमें कि रस्में नहीं करेंगे, निकाह नहीं, रस्में सारी इसके अंदर मामला, अब वलीमा होगा। अरे निकाह में हमारे यहाँ पर ये है कि निकाह है और वलीमा है, वो भी सिर्फ लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से तो कोई बोझ ही नहीं है उसके ऊपर, उसको कुछ नहीं करना है। अब ये कि शुरू जब निकाह हम हमारे यहाँ जैसे शादी हो तो शुरू से ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हम फिर बाद में जाके पाबंदी करते नहीं होती है। शुरू से करें इसके अंदर, शुरू से क्या करना है कि जहाँ से शादी इस तरह शुरू करना है कि बातचीत हो गई कि भाई ये हो गया, अब हम निकाह कब करना है, हो गया बस, इसको आप दो घर वाले जो बैठे हैं रिश्ता जिन्होंने तय कर लिया रिश्ता की वो रहेगा बात। अब उसको भी क्या है दस्तूर शामिल किया जाता है, क्या हो रहा है दस्तूर लेकर आ रहे हैं, दस्तूर ये भी रस्म होती है, इस्लाम में है ही नहीं ये चीज़। दो जनों में बात हो गई, अब दस्तूर उसके अंदर एक आ रहा है, सब इधर से भी लोग आ रहे हैं, खाने चल रहे हैं, गाड़ियां भर के जा रही है, वो भी हो रहा है, फिर सगाई, ये इनके नाम से मालूम पड़ता है सब हमारी चीजें नहीं है, फिर सगाई हो रही है, फिर वो भी रखी भी जा रही है, साल साल दो दो साल हो रही है, फिर बीच बीच में त्यौहार आ रहे हैं तो फिर वो वहां से वो भी रस्में आ जाती है हमारे पास कि अब इसकी सगाई की 3 साल हो गए, फिर साल आया तो क्या हुआ कि वो जिस तरह से हमारे यहाँ गैर मुस्लिमों के अंदर होता है, उनके यहाँ सावन आता है बारिश के अंदर, तो बोले सावन का जोड़ा ले जा रहे, हमारे यहाँ फिर ईद आती तो ईद का जोड़ा ले जा रहे, उसके लिए पूरा सजा सुजू के फिर वो ले जा रहे हैं वहां पर, उसको दे रहे हैं वापस ले जा रहे, ये वहीं से आ रही है रस्में सारी। तो इसमें ये किया जाता है फिर सभी, उसके बाद फिर शादी की तारीख तय करने के लिए, तय तो है पहले से ही, दो लोगों ने पहले फोन पे ये बात कर ली, मिल गए, उन्हें कहा 1 तारीख है, ये फला तारीख 7 तारीख को निकाह, बाद नमाज ईशा ये हो गया, तब बोले कि 1 तारीख, बोले तारीख लेने जाना है, बोले तारीख ले तो ली थी, बोले नहीं लेने फिर जाना है, वहाँ बैठेंगे, फिर कागज पे लिखा जाएगा, सब लोग बैठेंगे, उसको बांधा जाएगा धागे वागे से और फिर उसको सौंपा जाएगा, ये तारीख पक्की खरी पक्की, तो नोटरी करवा लेते फिर उसकी, बदल नहीं जाए बाद में। तो तय हो गया है तो दो लोगों की जुबान की बात है, तय हो गया, उसमें गवाह भी थे, दो आपकी तरफ से दो उनकी तरफ से, ये गवाह है उसके अंदर, आदिल गवाह लोग रखो, मुकरे नहीं बात है, तो हो गया उसके अंदर, फिर एक पूरी उसको भी रस्म बना दिया गया जो बड़ी रस्म ही है, उसके अंदर भी बुलाया जाता है, किया जाता है, उसके फिर शादी शुरू होती है। तो शादी जब शुरू हो रही है, निकाह आपका शुरू हो रहा है, तो कार्ड शुरू होता है, अब कार्ड की चॉइस की जाएगी, अब कार्ड के अंदर से ही सबसे ज़्यादा खर्चा आज की तारीख में होता है, और इसके अंदर लोग की बिल्कुल सादा होना चाहिए, बिल्कुल एक सादा वाइट पेपर के ऊपर छपा हुआ कि भाई इस दिन ये निकाह है और ये आपका वलीमा है, आपके स्वागत के लिए, आपके आमद के मुंतजिर है, बस ये आपने छाप के आपको दे दिया, बस सादा सिंपल सा, ज़्यादा कुछ है तो लिफाफे में पैक करके दे दो, लेकिन सादा होना चाहिए। अब ये बड़ा एक खर्चा आज के उसके अंदर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लाख लाख रुपए सिर्फ कार्ड में खर्चे होते हैं, एक एक कार्ड बनाया जा रहा है जिसकी जो है 200-300 हज़ार रुपए तक के कार्ड, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप किसका मुकाबला करेंगे इस कार्डों के अंदर। अभी हमारे यहाँ पर इंडिया के सबसे अमीर आदमी के यहाँ पर शादी थी, उसके लड़के की 3 लाख का एक कार्ड था, 3 लाख की आप शादी नहीं कर सकते, क्या मुकाबला करेंगे इसके अंदर, तो आप कहाँ जा रहे हैं उनके साथ पीछे लगकर, ये तो बढ़ता जाएगा करते जाएंगे, इस्लाम सादगी पसंद करता है, तो कार्ड बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ये तो फिर भी हमने छपा लिया, ठीक है आज के टाइम में जरूरी है, आदमी को याद नहीं रहता तो आप सादा सिंपल छाप के दे दो, नहीं तो खाली मुंह जबानी कहना ही काफ़ी है, इतना ही हो सकता है। तो इसको सादगी से करें, तो यहीं से अगर हम खर्चा इसको सादगी से करेंगे और यहाँ हमने बचा लिया, तो फिर आदमी आगे इसको फिजूल खर्ची से बचाएगा, नहीं तो यहीं से स्टार्टिंग है उसकी, स्टार्टिंग में उसने अगर यहाँ पर कार्ड के अंदर 10-20 हज़ार खर्चा कर दिया तो फिर कहेगा अरे कार्ड में 10 कर दिया था, तो फिर बारात ले जानी है, तो बारात में 50 हज़ार की बस ले गए तो क्या फर्क पड़ रहा, 10 हज़ार की 2-4 गाड़ी और ले गए, तो फिर वो आपने शुरू में फिजूल खर्ची कर दी है, तो फिजूल खर्ची करने वाले कौन है, शैतान के भाई है, तो फिर वो तो लगाएगा चले जाओ, फिर वो बढ़ता जाएगा खर्चा। तो सादगी पसंद तो यहीं से शुरू करना है, जो कार्ड स्टार्टिंग हम करते हैं इसको सिंपल रखेंगे तो आगे भी फिर फिजूल की चीज़ें नहीं होंगी, और उसके बाद में फिर सारी, क्योंकि ये आप ये समझ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम को तो मालूम भी नहीं होता था, निकाह ही नहीं मालूम पड़ता, आप क्या बात कर रहे हैं, कार्ड छपा के और आप बताएंगे दुनिया भर को, सहाबा शादी कर सहाबा के निकाह हो जाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लम को पता नहीं,
बाद में पूछते वो, या कोई आकर बता कि उनका निकाह हो गया। ये हमको मिलता है ना वलीमे की जितनी हदीस मिलती है उसमें ये आता है। उन्होंने एक साहबी जा रहे थे, उनके ऊपर कुछ उन्होंने वो अरब में होगा राइज वहाँ पर के, उनके ऊपर कुछ वो पीले कलर का कुछ कलर था या ये केसर होगा जिसका छीटा लगा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो बोले अलग से मैंने निकाह कर लिया। बताए वक्त का नबी रसूल मौजूद है, उनको पता नहीं और हम कार्ड छपा के दुनिया भर को बता रहे हैं। तो निकाह वो नहीं है, निकाह में बिल्कुल इतना था मालूम ही नहीं, फिर लग रहा सुन कहा कि वलीमा करो चाहे एक छोटी बकरी हो। और अल्लाह के रसूल ने वलीमे किए और बिल्कुल शादी भी किए, यहाँ तक भी किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं था उनके पास में, तो कहा कि सबको के निकाह कर लिया और सबसे कह दिया कि उनके जितने साहबा थे जो वहाँ मौजूद थे उनसे कहा अपने अपने खेमों से अपने अपने घरों से खाना लिया, जहाँ बैठ के खा लो वलीमा हो गया। इतना सादा सिंपल दीन है हमारा। और इसके अंदर हम देखते हैं इतनी सारी चीज़ें, हल्दी मेहंदी मायरे मोसारे, वो शादी उसके यहाँ हो रही, ये लड़के की यहाँ शादी, उस लड़की की शादी, वो बच्चे, इसका मामा परेशान, इसके खाला परेशान, मामेरा मोसारा सब लेके आ रहे। वो कह रहे भारी ये शादी हुई 50,000 का हमारे खर्चा हो गया, 1,00,000 रुपये का हमको लाना पड़ गया इसके अंदर। ये फिजूल की रस्में ही हमारे नाम से मालूम पड़ता है, हमारी रस्में नहीं है ये, इसको जो पाल रखा। और इसके अंदर भी चीज़ें ऐसी हकीर चीज़ें दी जा रही है जो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा टावल दिया जाएगा जो वो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, वो बस पैकिंग का पैकिंग ही रहता है। ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जो इसने दिया तो ये दूसरे को पन्ना रहा, वो उसको पन्ना रहा, वो ऐसे ही फट जाता, वो सिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी क्या रस्में आपने पाल ली है कि ना उसी काम का भी नहीं, पहनने के भी नहीं दे रहे आप उसे। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम में नहीं। फिर राती जगह उसके अंदर फिर और बढ़ा लिए, राती जगह, राती जगह ये भी गैर मुस्लिम साहब उनके वहाँ तो बुलाया जाता है, भैरू बाबू जी के आपके यहाँ किसको बुलाया जा रहा है रात जगने के बाद। ये हमारे यहाँ पर डांस हो रहे फिर उसके अंदर और बढ़ा लिया, राती जगह के अंदर डांस प्रोग्राम होते हैं। बारात बारात भी नहीं है इस्लाम, होते तो अल्लाह के रसूल को साहबा नहीं ले जाते, आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनको तो मालूम ही नहीं है, तो बाद में पता चल रहा है कि अल्लाह के रसूल मैंने निकाह कर लिया। तो जो उसके घर वाले जिन्होंने बातचीत की, जो गवाह है उसके अंदर एक वकील दो गवाह, और जो घर वाले उनके माँ बाप भाई बहन हो गए, बस जाकर निकाह करके ले आया, ऐलान तो वलीमे में होगा कि इसका निकाह हो गया, तो ये भी नहीं है। और ये तो इससे तो पीछा कोई भी नहीं छुड़ा पा रहा, जो कह रहे हैं कि हाँ नहीं होना चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए, वो भी फिर बारात में तो नहीं, बारात करना तो वो भी गाड़ियाँ भर के ले जाते, ट्रेनें भर के ले जाते, नहीं ये तो चलेगा, ये तो होना चाहिए। तो फिर आप ही नहीं, इसीलिए छूटेगा तो फिर आपको देखकर आदमी उसे गड़ता है। आप उससे एक रस्म छुड़ा रहे, बोले हल्दी मेहंदी गलत है, तो बोले बारात गलत नहीं थी क्या, तुम तो ले गए बारात। तो ये खुद को करना पड़ेगा, अमल करेंगे तब जाकर वो चीज़ इम्प्लीमेंट में आती है, नहीं तो नहीं आती है। तो वो घोड़ी है, शेरा है, घोड़ी जंग लड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, जंग लड़ने जा रहा है, रेस करने जा रहा है, क्या है सेरा बांधा जा रहा है, उसको दिख भी दे रहा हूँ बड़े बड़े, वो इतना बड़े बड़े को घोड़ा भी ढक जाता साथ में, इतने बड़े बड़े सेहरे बांधे जा रहे हैं सारी चीज़। तो ये चीज़ें इस्लाम में नहीं है। बेफिजूल की रस्में, फिर दूल्हे, फिर उसमें और रस्में ऐसी भी हैं जिसके अंदर औरतें और मर्द खलत मलत हो रहे, मेहंदी लगाई जा रही है, दूल्हे को उंगली पकड़ी जा रही है, उसकी साली उसको आकर मेहंदी लगाई जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लम ने तो फरमाया कि गैर महरम है वो, उसके लिए कि उसके हाथ को छू जाए, अल्लाह के रसूल पसंद नहीं किया कि मेरा हाथ जल जाए, वो पसंद किया अल्लाह के रसूल ने, लेकिन किसी गैर महरम से छू जाए। तो ये रस्में हमारे यहाँ पर होती है मुसलमानों के अंदर, ये कर रहे हैं। फिर सलामी हो रही है, तोप भी लगा दो 21 तोपों की सलामी, ये क्या सलाम, मतलब क्या है समझ में, वो गए जब ही तो सलाम करके गए होंगे, फिर अलग से बेटे बेटे उठ के जाएंगे दरवाजे पर सलाम। ये सारी रस्में रिवाजें इसके अंदर बढ़ती हम देखते जा रहे हैं। तो निकाह जो है ये सुन्नत है, और अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो शादी है, फिर आप वो निकाह मीन सुन्नत ही लिख रहे हैं आप, कोई फ़ायदा नहीं है उसको आपको लिखने का। और ये है कि निकाह के अंदर लोग शामिल होकर है, तो ये नहीं कि वो निकाह में तो बेचारे चंद बुजुर्ग लोग बैठे हुए और बाकी सब गप्पे शप्पे आसपास में कर रहे हैं, नाच रहे डांस कर रहे हैं। तो ये निकाह के अंदर आए हैं आप तो फिर मौजूद होना चाहिए, निकाह में बैठा होना चाहिए, और निकाह मस्जिद में होने चाहिए, ये सुन्नत है अल्लाह के रसूल मस्जिद में निकाह किए सब, तो ये उसके अंदर होना चाहिए। तो फिर ये तो निकाह में अगर लोग जाएँ तो फिर वो निकाह में शरीक होना चाहिए, आस पास में नहीं रहे, वो मस्जिद के अंदर होना चाहिए। मस्जिद के अंदर अगर निकाह होगा तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। जैसे निकाह के अंदर लोग शराब पीकर जा रहे हैं, बारात में गए पूरे शराब नाचे ढोल बाजे से मजा करो, फिर वो निकाह में बैठे हो, अब उसमें कौन सी उस निकाह में बरकत आएगी बताइए आप, वो क्या दुआएं उसकी काम आएंगी। अगर ये मस्जिद में होगा तो जो ये लोग हैं ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। इतना तो मुसलमान कितने भी इतना तो ईमान उसके अंदर होगा कि वो मस्जिद के अंदर ये चीज़ें करके नहीं जाए। बे औरतें वहाँ पर बेपर्दगी नहीं होगी, वो शादी में तो होती है, औरतें भी आ रही हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन मस्जिद में होगा तो मस्जिद में अगर औरतों का निज़ाम भी रखा जाएगा तो वो भी आएंगी चुपचाप बैठेंगी, बेपर्दगी नहीं होगी वहाँ पर। तो मस्जिद में होगा तो फिर ये होना ही चाहिए, वो सुन्नत भी यही है।
और फिर उसके बाद ये भी एक हमारे यहाँ पर एक हो गया कि निकाह के दिन खाना, निकाह के बाद खाना होता है वलीमा उसको कहा जाता है, अब उसके दिन भी खाना ये लोग कोल तो पहले ही कर देता है, बाद में कौन करे, पहले ही करो। तो ये चीज़ें नहीं, ये बात की चीज़ें बाद में होती है। और उसके बाद सबसे बड़ा शादी का जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है सबसे ज़्यादा वो है दहेज। अब ये दहेज का ऐसा है कि अमीर तो दे देता है लेकिन गरीब तो, ये उनको सोचना चाहिए जो दे रहे हैं और कहते हैं कि हमको दिया है अल्लाह ने तो दे रहे, क्या तोहफा नहीं दे सकते क्या, कहाँ मना है तोहफा दे रहे हैं, वो तोहफा क्या है, वो तो आपने उधर से लिया है पूरा, दहेज वहाँ पर था, वो कन्यादान था इसके लिए देते हैं, वो दान कर देते तो जो कुछ देना उसके साथ में दे दो। हमारे यहाँ कन्यादान नहीं होता, निकाह मुआहिदा होता है, लिखा जाता है उसको एक पेपर के ऊपर, तो हमारे मुआहिदा है, वो दान नहीं है कि आपने एक दे दिया उसको कि दान हो गई, वो तो वहाँ पे तो दान होता है इसलिए दे देते हैं वो कि जो कुछ देना है अभी देना है। यहाँ तो विरासत में इसका हिस्सा है लड़की का, या आपने दे दिया वो नहीं, तो दहेज इसके अंदर अब अमीर दे रहा है, लेकिन ये सोचना चाहिए वो अमीर दे रहा है और तुमने ऐसा काम किया है कि वो जो आपके आसपास में गरीब लोग रहते हैं, वो जो रिश्तेदार आए हैं वो आपके देख रहे हैं कि मेरी बेटी की ऐसी शादी नहीं कर सकता हूँ, वो लड़की वहाँ पर मौजूद है देख रही है कि मेरी शादी ऐसी नहीं हो सकती है और मेरा बाप मुझे इतना नहीं देख सकता, उन गरीबों की आहें निकलती है और वो आहें निकलेगी तो आपके बच्चों बच्चों की जिंदगी सुकून से नहीं गुजरने वाली। आप ये सोच रहे कि इतना देकर जो हम उनकी ज़िंदगी सुकून हो जाएगा या आराम से रहेंगे, तो पलंग भी दे दो, सोफा भी दे दो, फ्रिज भी दे दो, ये सब दहेज के नाम पर आपने दे दिया कि सुकून रहेगा, ये बद्दुआएं लगेगी उनकी जो लोग दे नहीं सकते और आपको देखकर इंजर रहे और जिसकी वजह से वो देखकर उनके निकाह नहीं हो रहे, वो बच्चियाँ घर में बैठी हुई दहेज की वजह से, तो बद्दुआएं लगे जो इसको करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा लानती काम है। और ये भी हम देखते हैं कि आम है, इसके बिना तो होता ही नहीं है, तो तय किया जाता है कितना देना कितना नहीं देना। और इसके लिए भी ये होगा कि ये बात ये नहीं कि सामने वाला दे रहा है नहीं दे रहा, अपनी मर्जी से दे रहा है, ये तो खुद लड़के को खड़ा होना पड़ेगा मैं नहीं लूंगा, और लड़की अलग कहना पड़ेगा मैं नहीं दूंगा, तब जाकर ये खत्म होगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा। इसमें बगावत करनी चाहिए कम, लड़के को करना चाहिए, नहीं तो भीख मांगना है, स्टैंडर्ड भिखारी है, क्योंकि भाई हाथ में नहीं ले रहा, ट्रक भर के ला रहा है, बड़े बड़े सामान ला रहा है, तो ये इसके तो इसको के अंदर होना चाहिए और ये हमको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि इसकी वजह से ये बड़ा मौजू है, तो आज सबसे बड़ा इशू है इसकी वजह से ये सारे हम देखते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। ये कन्या भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या की बात, ये शादी के मसले की वजह से हो रही है, लोग इसके अंदर कहते हैं भाई कन्या भ्रूण हत्या इसलिए हो रही है भाई ये लड़की है इसलिए लोग रख नहीं रहे, मार देते हैं पेट के अंदर ही मार देते हैं, वो वजह नहीं है, वजह वो नहीं है, वजह उसकी ये है, एक दूसरी वजह ये है कि दहेज देना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे इतना, तो लड़की रखता ही नहीं, पहले एक लड़की हो गई, अब दो तीन हो गई, फिर चलती भी लड़की, अब कितनी शादी करूंगा मैं तो मर जाऊंगा, कहाँ से लूंगा इतना पैसा, इसके लिए मार देता है। और बात वो दहेज एक बार देने की होती वो भी नहीं है, बात इन रसूमात की जो हमने पाल रखी है जिंदगी के अंदर के, अब उसके बाद एक बार निकाह कर दिया उस लड़की का, उसके बाद फिर वो छुटकारा नहीं, चलो एक बार देने की बात होती ना, दहेज दे दिया जैसे तैसे उधार करके घर बेच के गिरवी रख के दे दिया उन्होंने, लेकिन एक बार की बात नहीं, ये रस्मों रिवाज ने इंसान को पीछे डाल दिया है और उसके अंदर मुसलमान भी शामिल हो गए, एक बार उसका निकाह कर दिया, अब वो चली गई, दहेज भी दे दिया, फिर वापस से एक साल बाद फिर आ गई प्रेग्नेंट होने के, बोले बोले इसको रखो, इसको अस्पताल में करवाना पड़ेगा, इसका बच्चा करना पड़ेगा, इसके लिए कपड़े लाने पड़ेंगे, फिर लेने आएंगे तो उन लेने वालों को सबको खाना भी खिलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इस लड़की के घर पर शादी हो रही, इसके देवर की शादी, तो इनको लेके जाना पड़ेगा, सारा सबके लिए पूरे घर के लिए लेके जाना पड़ेगा, फिर कोई मर गया तो फिर लेके जाना पड़ेगा, और ये हर चीज में रस्में हो गई है, यहाँ तक कि रिटायर्ड हो रहा तो उसके अंदर रस्म चालू, रिटायर्ड हो गए साहब हमारे ससुर जी तो उनके लिए फिर लेकर जाओ, इनकी शादी हो रही तो फिर लेकर जाओ, बुआ के यहाँ शादी, खाला के यहाँ शादी, उसके वहाँ फला के वहाँ शादी, चचा के यहाँ शादी, सबके यहाँ ये बेचारे ने लड़की दे दी, जिंदगी भर लुटाता रहेगा, एक बार की बात नहीं है, इस वजह से लोग ये इसलिए कन्या भ्रूण हत्या नहीं रुक रही, वजह यह है कि वो जिंदगी भर तक उसको पालना पड़ रहा है, वो बेचारा बोझ बोझ मरने तक तो ऐसा हो जाता है कि उसकी जिंदगी बेचारे झुक जाता है पूरा, दे देकर खत्म हो जाती है, जितना उसने कमाया पूरा लड़की में दे देता सारा, तो ये जिंदगी भर की रस्में रिवाजों की वजह से ये हो गई, इस्लाम में भी दाखिल हो गई, इसलिए हमारी जिंदगी जो मुश्किल हो गई, जो अहम फरीजे थे दी तीन हमारे अहम, इससे उनको हमने इतने जो इसके अंदर लवाजिमात पाल के इसको खराब कर लिया। तो अब ये है इसके अंदर शादी में अंदर ये भी होना चाहिए कि मेहर नगद हो, मेहर नगद होना चाहिए, इस्तेताद के हिसाब से होना चाहिए, हमारे यहाँ तो ये होगा कि नहीं क्या पता किसी ने कहां से निकाल लेके 32 रुपए सुन्नत देना, 32 रुपए सुन्नत, अब उस वक्त की जोड़ेंगे आप, बोले उस वक्त का हिसाब किताब लगाओ तो 32 रुपए बन रहा, 32 रुपए की वैल्यू क्या है आज, बच्चा आज 32 रुपए चॉकलेट नहीं खरीदता, अरे 32 रुपए और आज भी हो रहे ऐसे निकाह, वो सुन्नत है,
यही सुन्नत दिख रही है। अल्लाह के रसूल सल्लम तो ऊँट पर बैठ के जाते थे, ऊँट रखते थे घर के अंदर, तो ये भी तो सुन्नत है। हर आदमी मुत्तकी परहेज़गार अपने को कह रहा तो ऊँट बांध के रख वहाँ पर। सुन्नत ये नहीं होती है, सुन्नत उस दीन की जो सुन्नत है अल्लाह की, वो सुन्नत दौर के हिसाब से बदलती है, इसी को दीन कहा जाता है। दीन वो रुक नहीं जाता है। अब उस दौर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में यही अच्छी सवारी थी ऊँट रेगिस्तान में चलने के लिए। आज हमारे पास में तेजी से चलने के लिए क्या है, मोटरसाइकिल है, कार है, तो ये सुन्नत है। आज इसी को सुन्नत कहा जाएगा। आज अगर जंग की बात है, जंग हमारी जब तलवारों से हो रही थी, घोड़े पे बैठकर हो रही थी, और आज हमारे पास कभी सुन्नत है तो क्या इससे लड़ेंगे? आज के दौर के अंदर वो इतनी दूर आने ही देगा, वो 1000 फीट दूर बैठ के आपको गोली मार देगा वहीं से, तो ये सुन्नत नहीं है। अब सुन्नत ये होगी कि वैसे के वैसे हथियारों से लड़ा जाए, ये सुन्नत होगी। तो हमारी सुन्नत तो अब उसके अंदर वो थी उस वक्त के दौर के अंदर, लेकिन यहाँ इस्तेताद के हिसाब से रखा जाएगा। आदमी की कितनी इस्तेताद है उसके हिसाब से मेहर रखे, उसके हिसाब से वो नगद उसके अंदर होना चाहिए कि नगद ही दे दे वो, नहीं तो फिर ये पड़ी रहती है और वो उसके अंदर आदमी भी मर जाता है, फिर वो बेचारी औरत को लिया जाता है उसमें के बोल रहे थे कान के अंदर कि मैंने माफ़ किया मेहर। अब वो भी कह देती कि माफ बोल दो, अब इसके अंदर क्या करें, ज़िंदगी मैंने तो दिया ही नहीं, अब मरने के बाद कौन सा देगा, वह मत दे माफ नहीं किया जाता। तो उसको भी नगद रखना चाहिए, इसको भी शुरू करना चाहिए, ये भी जो है ज़रूरी है। और ये कि अल्लाह के रसूल सल्लम सहाबा, सबसे पहले ये तो निकाह भी, ये भी एक आखिरी बात और मैं रख देता हूँ, तो क्या बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन ये निकाह के लिए हमने जो अब जो सही है, जो ये सब चीज़ को से परे हैं, उन्होंने भी ये कर लिया कि निकाह के लिए एक किसी को मुकर्रर कर लिया कि निकाह यही पढ़ाएंगे। वही क्यों पढ़ाएंगे? वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लम को मालूम नहीं पड़ रहा। अब अल्लाह के रसूल सल्लम से कोई काजी बड़ा मौजूद था क्या वहाँ? तो सहाबा को निकाह हो गया मालूम ही नहीं, तो किसने पढ़ाया फिर वो निकाह? तो ये निकाह खुद का काम है, खुद पढ़ेंगे वो, ये खुद पढ़ेंगे, उनके वालदेन पढ़ाएंगे, उनके घर वाले मिलकर पढ़ाएंगे। थोड़ा सा है उसके अंदर खुदबा निकाह, जो मसनून है वो मसनून आपको सीख लो, उसके अंदर चंद तीन चार तो आया थे, नहीं तो देख के पढ़ लो, घर वाले खुद कर सकते हैं, कुछ वाज नसीहत भी कर सकता है एक आदमी, कुछ उसी को पढ़ के उसका तर्जुमा सुना दिया, और थोड़ी सी एक वो है उससे पूछा जाएगा दूल्हे से और पूछ के वो किया जा सकता, खुद कर सकते हैं। तो हमने क्या इसको ऐसा सिस्टम बना दिया सभी ने टोटल ने कि नहीं वो उस एक वो रखा वही आएगा, वो निकाह नामा लेके आएगा, वो कोई करेगा, उसमें ऐसा फला फला लिखा जाएगा, ये वो आप खुद भी कर सकते हैं, एक कॉपी ले आए उससे आप खुद करेंगे। आपने क्यों पाल रखा कि वो नहीं वो ही करेंगे सारे? फिर उसके बाद उसके उन्होंने फीस भी रख रखी है, इतनी फीस होनी चाहिए, फिर उसके बाद चंदे भी मुख्तलिफ आ जाते हैं, ये सब अभी एक ही बार ये इतना सारा खर्चा कर रहा है तो अपने भी इसके अंदर जो भी है वो अपन भी निचोड़ लो। तो भी कह रहा मदरसे का भी दे दो, मस्जिद का भी दे दो, या तामीर हो रही उसका भी दे दो, कब्रिस्तान का भी दे दो, और सब निकालेगा। और फिर वो भी लड़की वाले को देना पड़ रहा है क्योंकि उसके यही बारात, तो उसके पर कोई खर्चा नहीं, तो खुद करना चाहिए। इसके अंदर भी हमको ये होना चाहिए और इसको शुरू करना चाहिए कि आदमी खुद कराए निकाह, कोई सी बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, सीख ले और वो उसको कराना चाहिए। और इसके अंदर जो भी और बहुत सारी चीज़ें, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या है, ये तो खुद हमको तहकीक करनी पड़ेगी कि क्या दीन है और क्या दीन नहीं है। जो दीन नहीं है उसको निकाल के बाहर करो, और जो दीन है उसके पर रहो, इस्लाम सादगी पसंद दिए उसमें रहो। और इसके अंदर एक ज़रूरी चीज़ के इन तीनों मसलों के अंदर एक चीज़ नहीं करते हम जिसकी वजह से इसके अंदर रस्में घुस जाती है और बहुत सारी चीज़ें लवाजिमात आ जाती है। वो चीज़ होती है कि बच्चा पैदा हुआ, अकीका हो रहा है, तो अकीक के अंदर ये होना चाहिए कि एक आदमी मुत्तकी परहेजगार हो, पढ़ा लिखा, उस आदमी को खड़ा करनी चाहिए और माइक स्पीकर लगाकर उसको बुलवाना चाहिए कि आप थोड़ा सा यहाँ पर खिताब करें, बच्चे की पैदाइश के तालुक अल्लाह के तारीफ बयान करें, कैसे उस बच्चे को पैदा करता है, उसने हमको पैदा किया, उसका एहसान क्या है हमारे के ऊपर, उसकी तारीफ बयान की जाए, उसको बताया जाए तुम्हारी पैदाइश का मकसद क्या है, ये बच्चा पैदा हुआ तो क्यों पैदा हुआ है, इसको करना क्या है दुनिया के अंदर, और इसको जाना कहा, ये वहाँ पर मकसद बयान किया 10-15 मिनट तक, 10-15 मिनट का होना चाहिए अकीके के अंदर। ये अच्छी रस्म इसको शुरू करनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, इसको शुरू किया जाए। ये का ये निकाह के अंदर भी होना चाहिए, निकाह के अंदर वो खाली अरबी में पढ़ के चले जाते हैं, तो इसके अंदर भी होना चाहिए, बताना चाहिए निकाह क्या है, इसके मसाइल क्या हैं। और इसके अंदर औरतें हैं वो खास, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रस्में वो फैलाई हैं, और वो वहाँ सजी जदी बैठी हैं अंदर कमरे में, उनको कोई देख ही नहीं रहा, और वो सब आपस में लगी हुई, तेने क्या पहना, तेने ये नहीं पहना, ये कहाँ से लाई, वो कहाँ से लाई, और गीबत चालू पूरी। वहाँ पर भी होना चाहिए, या तो जो आदमी बाहर से ही मर्द अगर खुतबा दे रहा है तो वो अंदर भी स्पीकर लगा के वहाँ पर भी दो। आज हमारे पास कुछ यही है, आपने डीजे का खर्चा करा स्पीकर नहीं वो लगा सकते अंदर, वो भी लगाना चाहिए।
तो वहाँ लगा के ताकि उनको वाज नसीहत हो, या फिर नहीं हो तो एक औरत खुद हो जाली में और उन सबको वाज नसीहत करे ये खुतबा क्या था और क्या हमको बताया गया दीन के अंदर, ये बार बार होगी तो फिर इसमें से चीज़ें निकलेंगी। ऐसा कैसे मैयत में भी होना चाहिए, या तो दफन के बाद हो या फिर जो है मैयत के बाद में कुछ वाज नसीहत करनी चाहिए, देखो तो आज इनकी जनाजे नमाज तुमने आज पढ़ी है, तुम्हारी भी एक दिन पढ़ी जाएगी और तुम्हारा काम जो है जिंदगी में अगर नेक अमल किया तो तुम्हारा साथ में जाएगा, नहीं तो ऐसे कैसे तुमको भी दफन कर दिया जाएगा। और इससे इबरत हासिल करो, यार आदमी को ऐसे खामोश होना है जो चलता फिरता नजर आ रहा है, तो ये वहाँ पर भी होना चाहिए। तो तीनों अहम हमारे मरहले जिंदगी के अहम, पैदाइश, निकाह और मौत, मैयत। तो इसके अंदर हमको ध्यान रखना चाहिए और क्या दीन है क्या दीन नहीं है ये हमको मालूम करके इन चीज़ों को करना चाहिए, नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें ऐसे ही इसके अंदर ये लवाजिमा तो सारे लोग इसमें बढ़ाते जाएंगे क्योंकि इसके अंदर वाज नसीहत हम नहीं करते हैं। तो ये एक अच्छा काम है, इसमें शुरू किया जा सकता है तो हम करेंगे।